हड़ प्रभावित इलाकों से मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हड़ प्रभावित इलाकों के हर किस्म की सहायता देना साड़ी पहल है। सारे डैम सुरक्षित ने ते खतरे दे निशान तो काफी थल्ले ने। पंजाब दे विच अज शाम तक हालात काफी सुधर जाणगे। सीएम ने कहा कि किसी भी किस्म दे नुकसान दी पूर्ति दे लई पंजाब सरकार लोकां दे नाल खड़ेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया। ट्वीट करदे उन्होंने लिखा, पंजाब दी पानी दी स्थिति दी हर पल दी अपडेट दे आधार ते प्रशासन नूं अपडेट किया जा रहा है। ज्यादा प्रभावित इलाकों दे विच हर किस्म दी सहायता करनी साडी पहल है ते सारे डैम उन्होंने कहा कि सुरक्षित ने ते खतरे दे निशान तो काफी थल्ले ने। उम्मीद है कि पंजाब दे विच अज शाम तक हालात काफी सुधर जाणगे। किसी भी किस्म दे नुकसान की पूर्ति लई सरकार लोकां दे नाल खड़ेगी। ताहे ट्वीट उन्हां दे वल्लों कीता गया ते लोकां नूं भरोसा दिता गया है कि हर किस्म दी सहायता असीं तुहाडी करांगे। तुहानूं दस्सिए कि मीह तों बाद हड़ पंजाब दे विच काफी तबाही मचा रहा है। संगरूर दे मुनक इलाके दे विच घग्गर दरिया दा बन्न दो थावां तों टुट गया। बीती रात दरिया खतरे दे निशान तों 2 फुट उपर सी। इस मगरों दो थावां ते बन्न टुट गया। इस नाल आले दुआले दे इलाकियां दे विच तेजी दे नाल पानी वध रहा है। तो नाज़िए कि पिछले 2 दिनों तों दिन रात प्रशासन ते किसानां दीआं टीमां घग्गर दे कंडे तैनात ने। घग्गर नदी दे कंडे मूंग वाले पासे जड़ी हड़ वर्गी स्थिति है वह पैदा हो गई है। उधर खन्ना दे विच बरसाती पानी दे विच डुब्बे पिंडां दे लोक ने जिहड़े काफी ज्यादा गुस्से दे विच ने। इन्हां लोकां ने रात नूं दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे जाम कर दिता। खन्ना विखे अंबूजा कलोनी दे सामने रोड जाम किया गया। कलोनी वालियां दे उपर पानी दा कुदरती वहाव रोकण दे इल्जाम ने जिहड़े लगाए गए। उथे जलंधर दी शाहकोट सब डिवीजन अधीन पैंदे मंडाला दे विच सतलुज दरिया दे वहाव नूं रोकण दे लई बनाया गया धूसी बन्न 2 फड़ हो गया।